हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आज हम आपको जिस देश के बारे में रोचक जानकारियाँ देने जा रहे हैं, उस देश के लोग ऑक्सीजन के बिना रह सकते हैं लेकिन फुटबॉल के बिना नहीं। एक ऐसा देश जहाँ पर गन्ने की सबसे ज्यादा उपज है। यहाँ के लोगों के बीच में डांस और पार्टी करना सबसे कॉमन है। यहाँ के समुद्री बीच की खूबसूरती देखने लायक है। दोस्तों, यहाँ की कॉफी दुनिया भर में मशहूर है और ये दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर भी हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, दुनिया की सबसे रहस्यमय जगह भी इसी देश में है। यहाँ के लोगों को आज भी यकीन है कि एलियंस आज भी इस देश की यात्रा पे आते हैं। क्या आपको समझ में आया कि आज मैं आपको किस देश के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ? दोस्तों, यह है साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील। बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सबसे लास्ट वाला बहुत ही मजेदार है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस देश का ऑफिशियल नाम है फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राजील। देश की कुल जनसंख्या है लगभग 21 करोड़ के आसपास। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले देशों की सूची में ये देश छठवें नंबर पे आता है। दोस्तों, ब्राजील के पास कुल लैंड एरिया है 83,58,140 स्क्वायर किलोमीटर। वहीं अगर बात की जाए पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो यहाँ आपको 25 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पे दिख जाएंगे। यहाँ के 88% लोग शहरों में रहना पसंद करते हैं, जबकि 12% लोग ही गाँव में रहते हैं। आपको बता दें, इस देश की औसत उम्र है 34 साल। दोस्तों, ब्राजील एक दक्षिण अमेरिकी देश है। इसकी सीमा उत्तर में वेनेजुएला, गयाना, सुरिनाम और फ्रेंच गयाना, दक्षिण में यूरोग्वे, पश्चिम में अर्जेंटीना, पराग्वे, बोलिविया, पेरू और उत्तर पश्चिम में कोलंबिया से मिलते हैं। वहीं पूर्व में इसकी सीमा दक्षिण अटलांटिक महासागर को छूते हैं। दोस्तों, कई ऐसी चीजें इस देश में है जो कि आपको सरप्राइज कर देंगे। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इस देश में आपको चलते चलते ही एनाकोंडा के दर्शन हो जाते हैं? अब समझिए कि जैसे हमारे देश में चलते चलते रोड पे गाय या भैंस आ जाती है, वैसे इस देश में हाईवे पे कई बार आपको एनाकोंडास देखने को मिल जाते हैं। कहते हैं कि इनकी वजह से कई बार रोड पे जैम भी लग जाता है। क्या आपको पता है कि ब्राजील देश को ट्राइब्स की कंट्री भी कहा जाता है? यहाँ पर कम से कम 70 अनकॉन्ट्रैक्टेड ट्राइब्स हैं। इनमें से ज्यादा ट्राइब्स के लोग यहाँ के सबसे बड़े जंगल यानी कि अमेज़न में रहते हैं। ये इतने खतरनाक हैं कि कई बार इन ट्राइब्स के लोग आसमान में उड़ रहे हेलीकॉप्टर तक पे हमला कर देते हैं, वो भी तीर धनुष से। आपको बता दें कि ब्राजील नाम की उत्पत्ति पॉज ब्राजील नामक एक लकड़ी के नाम से हुई है। ये पहला उत्पाद था जिसे पुर्तगाली व्यावसायिक रूप से अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करते थे। यही वजह थी कि यहाँ पर पुर्तगाली व्यवसायी बड़ी संख्या में आया करते थे। आज भी इस लकड़ी की यहाँ बहुत पूछ है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया का वो कौन सा देश है जो कि सबसे ज्यादा कॉफी एक्सपोर्ट करता है? जी हाँ, ये ब्राजील ही है। आपको लगेगा कि इस देश में तो चारों तरफ समुद्र है, उसके बावजूद यहाँ सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कैसे हो पाता है? तो आपको बता दूं कि यहाँ पर खेती को लेकर एक से बढ़कर एक टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि इस देश में कई लोग किसी भी काम करने से पहले खेती करना पसंद करते हैं। दोस्तों, न सिर्फ कॉफी के मामले में बल्कि ये देश शुगर केन यानी गन्ने की उपज के मामले में भी टॉप लेवल पे आता है। कहने का मतलब है कि इस देश में दुनिया में सबसे ज्यादा गन्ना उपजाया जाता है। आज के दिन में ब्राजील कॉफी के साथ गन्ने के मामले में भी सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। यहाँ पर गन्ने से बनी कई तरह की चीजें दुनिया भर में सेल की जाती हैं। दोस्तों, यह देश कृषि, इंडस्ट्रियल मशीनें, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, मिनरल फ्यूल्स एंड ऑयल और गाड़ियों की भारी मात्रा में आयात करता है। IMF की एक रिपोर्ट के अनुसार अगले कुछ दशकों तक अगर इस देश की अभी की दर से वृद्धि होती रही तो आने वाले टाइम में ब्राजील दुनिया का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। दोस्तों, ब्राजील में आपको दुनिया की सबसे खूबसूरत बीचेस देखने को मिलती हैं। ये इतने खूबसूरत होते हैं कि आपका यहाँ से जाने का मन ही नहीं करेगा। इस देश में लाखों की संख्या में लोग आते हैं घूमने के लिए और इसकी वजह भी यहाँ की खूबसूरत बीचेस ही हैं। साथ ही यहाँ पे बीचेस पर मिलने वाली लोकल ड्रिंक्स और साथ में सी फूड की बात करें तो ये कॉम्बिनेशन किसी जन्नत से कम नहीं है। दोस्तों, ब्राजील देश के क्षेत्र में एक टापू आता है जिसका नाम इल्हाडा क्यूमारा है। इसे स्नेक आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस टापू के हर वर्ग मीटर में कम से कम 5 सांप पाए जाते हैं जो बहुत ही जहरीले होते हैं। करीब 4,30,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले इस टापू में अलग अलग प्रजाति के 20 लाख से ज्यादा सांप पाए जाते हैं। यहाँ पर आम लोगों को जाने की परमिशन नहीं है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक और खोजकर्ता ही अपनी जान की बाजी लगाकर इस जगह पर शोध करने के लिए जाते हैं। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज के दिन भी ब्राजील के लोगों का मानना है कि इस दुनिया में कई बार एलियंस आए हैं। यहाँ के लोगों के मन में ये बात बैठ गई है कि एलियंस वास्तविकता में होते हैं। कहते हैं कि यहाँ का सबसे बड़ा जंगल यानी कि अमेज़न, वहाँ पे कई ऐसी जगह हैं जहाँ एलियंस को धरती पे उतरते हुए देखा गया है। हालांकि दोस्तों, आज तक कभी इस बात का कोई प्रूफ नहीं मिला। ये काल्पनिक कहानियाँ हैं या असल में इसमें कोई सच्चाई है, ये कोई नहीं जानता। बल्कि आप यकीन कर सकते हैं कि आज के दिन भी ब्राजील की जो पुलिस है वो भैंस का इस्तेमाल करती है कई बार चोरों को पकड़ने के लिए। जी हाँ, ये है इस देश की सच्चाई।
पुलिस इतनी एडवांस है उसके बावजूद भैंस का इस्तेमाल करती है, क्योंकि कई सारे एरियाज ऐसे हैं जो कि पूरी तरह से दलदल में बने हैं। ऐसे में यहाँ पर गाड़ी या बाइक को भगाना आसान काम नहीं है। इसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए यहाँ की पुलिस भैंस का इस्तेमाल करती है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस देश की राजधानी कहाँ है? कई लोगों को ये पता ही नहीं है। दरअसल ज्यादातर लोग सोचते हैं कि रियो इस देश की कैपिटल सिटी होगी, लेकिन ये बात गलत है। रियो डी जेनेरो लंबे समय तक ब्राजील की राजधानी रही है, लेकिन 1960 में इसे बदल दिया गया और ब्राजीलिया को ब्राजील की राजधानी बनाया गया। इसका कारण यह है कि रियो डी जेनेरो समुद्र तट के निकट स्थित एक शहर है जो कि सुरक्षा के लिहाज से सही नहीं है। ब्राजीलिया देश के बीचों बीच योजना से बनाया गया एक शहर है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इस शहर को बसाने में केवल 41 महीने लगे थे। अब सोचिए कि कैसे इस देश ने मात्र 41 महीने में ही अपने देश की राजधानी को बनाकर तैयार कर दिया होगा। ऊपर से देखने पर यह शहर हवाई जहाज की आकृति जैसा दिखाई पड़ता है। साओ पाउलो ब्राजील का सबसे अमीर और सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, जो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा शहर भी है। यह शहर ट्रैफिक जैम्स के लिए जाना जाता है। 2013 में यहाँ शाम के समय 292 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जैम लगा था, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अब आपको जितना सुंदर ये व्यू दिख रहा है, जितनी सुंदर ये प्लेस दिख रही है, उतनी ही खूबसूरत मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज़ है। एंड दैट इज़, आप लोग रेफर अर्न करके ऑलरेडी पैसे कमा रहे हो ऑफशोर्स के साथ, बट जहाँ पे आपको अभी तक 600 या 300 रुपये रेफर करने के मिल रहे थे, आज आप अपने अकाउंट में लॉग इन करके देखिए, आपको 1000 रुपये मिल रहे हैं एक इंसान को रेफर करने के। इसका मतलब अगर आपने 10 लोगों को रेफर किया, यू गेट 10,000 रुपीज़ इन योर अकाउंट, और अगर आपने 100 लोगों को रेफर किया, आपको 1 लाख रुपये मिलते हैं। तो आप प्लान कर सकते हो आप कितना पैसा कमाना चाहते हो। रेफर अर्न से ऑलरेडी लोग पैसे कमा रहे हैं, एंड आप लोगों का अगर ऑलरेडी अकाउंट है आप स्टॉक्स पे, आप रेफर करना शुरू करो। और अगर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या यूट्यूब पे देख रहे हैं एंड इंस्टा पे देख रहे हैं तो बायो में लिंक है, जाके तुरंत अपना अकाउंट खुलवा लीजिए, बिकॉज 1000 रुपये एक रेफर का किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में इस वक्त नहीं मिल रहा है। सो स्टार्ट अर्निंग राइट नाउ। दोस्तों, अब जो हम आपको फैक्ट बताने वाले हैं, मेरे ख्याल से इसके बारे में छोटे छोटे बच्चों को भी पता होगा। बात यह है कि ये देश फुटबॉल को पागलों की तरह पसंद करने वाले लोगों का है। यहाँ पर हर घर में ही एक फुटबॉल खिलाड़ी आपको मिल जाएगा। अब समझिए कि जैसे हमारे देश में क्रिकेट को लेके जुनून है, वैसे ही इस देश में फुटबॉल को लेके जुनून है। कहते हैं कि इस देश के लोगों को फुटबॉल के खेल से दूर रख ही नहीं सकते। यहाँ से पेले, रोनाल्डो और नेमार जैसे खिलाड़ी निकले हैं, जिनका लोहा दुनिया मानते हैं। इस देश ने फुटबॉल का फीफा वर्ल्ड कप भी 5 बार जीता है। यहाँ हर शहर में कम से कम एक फुटबॉल स्टेडियम तो है ही। वैसे आपका फेवरेट फुटबॉलर कौन सा है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, ब्राजील देश का सबसे पुराना शहर है साओ विसेंटे। इसे पुर्तगाल के लोगों ने यहाँ पे डेवलप किया था। इस शहर ने इस देश को एक से बढ़कर एक फुटबॉलर्स दिए हैं, जिनमें से सबसे बड़े खिलाड़ी का नाम है रोबिन्हो। फुटबॉल के अलावा कई ब्राजीलियाई कैपोएरा कला में माहिर होते हैं। कैपोएरा मार्शल आर्ट्स का एक रूप है जो अफ्रीकी संस्कृति से उत्पन्न हुआ था। यह एक कलात्मक खेल है जो नृत्य से मिलता जुलता है और कई ब्राजीलियाई लोगों का मन पसंदीदा कला भी है। वैसे तो दोस्तों, साउथ अमेरिका के सभी देशों में स्पेनिश ही बोली जाती है, लेकिन ब्राजील एकमात्र ऐसा देश है जहाँ की पोर्चुगीज भाषा में संवाद किया जाता है, यानी कि बोली जाती है। इस देश में कई सालों तक पुर्तगाल के लोग रहे थे और उन्होंने यहाँ पर राज किया था, जिसकी वजह से आज भी इस देश में आपको पुर्तगाल की झलक देखने को मिल जाती है। आज भी यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल बहुत हद तक पुर्तगाल के लोगों से ही मिलता जुलता है। मैं दोस्तों आपको बता दूं कि ब्राजील देश के लोगों के बीच में भी सबसे ज्यादा क्रेज फुटबॉल के बाद अगर किसी चीज का है तो वो है म्यूजिक का। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि यहाँ पर हर शाम ही आपको बीच पे फुल ऑन पार्टी करते लोग नजर आ जाते हैं। ये कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं होती, बल्कि दोस्तों ये होती है बड़ी पार्टी। यहाँ पर हर समय आपको पार्टी वाली ही फीलिंग आती है, तभी तो यहाँ के लोगों को अच्छा डांसर माना जाता है। पर्यटन के लिहाज से ब्राजील एक संपन्न देश है। यहाँ पर प्राकृतिक एवं मानव निर्मित अनेकों दर्शनीय स्थल मौजूद है। यहाँ की बीचेस दुनिया की सबसे खूबसूरत बीचों में से एक मानी जाती है। यहाँ की संस्कृति बहुत ही बोल्ड एवं नगण्य संस्कृति है। दोस्तों, यहाँ पर कई सारे ऐसे बीच भी मौजूद है जहाँ पर लोग निर्वस्त्र होकर बीच का मजा लेते हैं। दोस्तों, इस देश में 30 से भी ज्यादा बहुत सारे खूबसूरत आइलैंड मौजूद है, जो कि दुनिया भर के सैलानियों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दोस्तों, जिस तरह ज्यादातर एशियन लोग मौज मस्ती करने के लिए थाईलैंड की ओर रुख करते हैं, ठीक उसी तरह यूरोप और उत्तरी अमेरिका के लोग मौज मस्ती करने के लिए ब्राजील की ओर रुख करते हैं। इसकी वजह है ब्राजील में 19 वर्ल्ड हेरिटेज साइट मौजूद है। इनमें से एक है रियो डी जेनेरियो। दोस्तों, यह शहर ब्राजील का सबसे बड़े शहरों में से एक है। यह ब्राजील का सबसे प्रसिद्ध टूरिस्ट अट्रैक्शन है। दोस्तों, यह शहर अपनी खूबसूरती, समुद्र तट, पार्टी, संगीत के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। कहने का मतलब यह है कि इस देश में आपको एक से बढ़कर एक खूबसूरत चीजें दिख जाती हैं।
यही वजह है कि इस देश में हर साल लाखों की संख्या में टूरिस्ट आते हैं। जी हाँ, यही है इस देश की सबसे बड़ी पहचान। दोस्तों, ब्राजील में कुल मिलाकर 4100 एयरपोर्ट्स हैं और सबसे ज्यादा एयरपोर्ट्स के मामले में अमेरिका के बाद ये दूसरे नंबर पर है। यही वजह है कि इस देश में ट्रांसपोर्टेशन सेवा बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर आपको बाय रोड भी कहीं जाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। आज अगर ब्राजील ने अपने देश में बाहरी इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया है तो इसके पीछे यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। दोस्तों, आपको बता दूं कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी रिवर अमेज़न का ज्यादातर हिस्सा ब्राजील में है। क्या आपको पता है कि इस देश में ही आपको सबसे ज्यादा ऐसे ऐसे जीव देखने को मिल जाते हैं जो कि होते हैं सबसे खतरनाक। कुछ तो इतने जहरीले होते हैं कि अगर इंसान को छू भी दें तो ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता। हालांकि ये सबसे ज्यादा अमेज़न के जंगलों में ही पाए जाते हैं, इसीलिए तो दोस्तों कहा जाता है कि दुनिया की सबसे ज्यादा रहस्यमयी कंट्री है। यहाँ के अमेज़न जंगल के बारे में किसे नहीं पता। ये दुनिया को कुल ऑक्सीजन का 20% हिस्सा देता है। दोस्तों, यह बात सुनने के बाद शायद आप ब्राजील की औरतों से नफरत करना शुरू कर दें, क्योंकि यहाँ की औरतें अपने बच्चों को सिर्फ इसलिए दूध नहीं पिलाती हैं कि कहीं उनका फिगर ना खराब हो जाए। इसलिए जिन बच्चों को माँ का दूध नसीब नहीं होता है उनको सरकार की तरफ से माँ के स्तनों का दूध उपलब्ध कराया जाता है। इस बात पे एक लाइक जरूर हो जाना चाहिए। फ्रेंड्स, कार्निवल ऑफ ब्राजील फेस्टिवल के बारे में किसे नहीं पता होगा। यह धीरे धीरे एक ग्लोबल फेस्टिवल बनता जा रहा है। दोस्तों, इस फेस्टिवल में यहाँ के लोग रोड पे निकलते हैं और फुल ऑन मस्ती करते हैं। लोग कलरफुल कपड़े पहनते हैं और साथ ही फेस मास्क लगाकर डांस परफॉर्मेंसेस देते हैं। जब तक ये फेस्टिवल चलता है तब तक समझिए कि इस देश का माहौल बिल्कुल ही अलग होता है। तभी तो कहते हैं कि हर किसी को एक बार इस फेस्टिवल में यहाँ का एटमॉस्फेयर जरूर एक्सपीरियंस करना चाहिए। दोस्तों, ब्राजील में दुनिया की कैथोलिक ईसाइयों की सबसे बड़ी संख्या है। 16वीं शताब्दी की शुरुआत से कैथोलिक धर्म ब्राजील का मुख्य धर्म रहा है। अगर आप ब्राजील देश घूमना चाहते हैं तो आपको यहाँ की करेंसी के बारे में जरूर जानना चाहिए। आपको बता दें कि यहाँ पर ब्राजीलियन रियल करेंसी का प्रचलन है जिसकी वैल्यू लगभग 13 भारतीय रुपए के बराबर है। ब्राजील की लाइब्रेरी जहाँ 60,000 से भी अधिक किताबें हैं रॉयल लाइब्रेरी के नाम से दुनिया भर में मशहूर है। ब्राजील में एक शहर का नाम है दोस्तों नाओमी टॉक, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है डोंट टच मी। इस देश के बोरोरो प्रजाति के सभी लोगों का ब्लड ग्रुप ओ होता है। पता नहीं ऐसा क्यों, लेकिन ब्राजील में बिकने वाले एप्पल कंपनी का मोबाइल अमेरिका से भी दुगने दाम में बिकता है। जापान से बाहर अगर जापानी सबसे ज्यादा किसी देश में पाए जाते हैं तो वो है ब्राजील। दोस्तों, इस देश की इतनी प्रगति के बावजूद कुछ ऐसी बातें हैं जो दुनिया भर में इस देश के छवि को खराब करती है। दोस्तों, किसी भी देश के आंतरिक अपराध से देश का माहौल तो खराब होता ही है, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी छवि बहुत खराब हो जाती है। दोस्तों, ब्राजील हर मामले में संपन्न देश होने के बावजूद ब्राजील पूरी दुनिया में अपराध के मामले में 5 शीर्ष देशों में शामिल है। दोस्तों, यहाँ पर वृहद संख्या में ड्रग्स, मर्डर, किडनैप एवं लड़कियों का तस्करी किया जाता है। दोस्तों, अपराध के मामले में यह देश सबसे अव्वल है। यही कारण है कि ब्राजील संपन्न देश होने के बावजूद रहने के मामले में सुरक्षित देशों की श्रेणी में श्रीलंका, क्यूबा, नाइजीरिया जैसे छोटे देशों से भी नीचे आती है। यह बात जानकर आपको बहुत शर्म आएगा कि ब्राजील के लोगों की उत्तेजनापन इतनी ज्यादा होती है कि वहाँ के 35% लोगों ने कभी न कभी किसी जानवरों के साथ सेक्स किया है। ब्राजील में समान लिंग विवाह कानूनी है और तो और 2008 से ही ब्राजील में लिंग परिवर्तन कराने की सर्जरी मुफ्त है। इसका खर्चा सरकार द्वारा दिया जाता है। इन सब के बावजूद ब्राजील देश आज एक संपन्न देश है जहां हर साल 60 से 70 लाख पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। दोस्तों, अब अंत में आपको बता दूं कि ब्राजील के लोगों के बारे में ये दो बातें बहुत ही फेमस हैं। पहला ये कि इस देश के लोग बहुत ही इमोशनल होते हैं, यहाँ के लोग बहुत ही भावुक होते हैं। यहाँ पर किसी बात का कौन बुरा मान जाए ये कहना बहुत मुश्किल है। साथ ही दोस्तों, यहाँ के लोगों का दिल बहुत बड़ा होता है। ब्राजील के लोग भी अपने देश के लोगों की तरह ही होते हैं। खुद भूखे सो जाएंगे लेकिन किसी को भूखा सोने नहीं देंगे। ये नेचर यहाँ के लोगों का सबसे कमाल का होता है। आप इनसे कभी भी किसी भी बात पे मदद मांग लीजिए, ये आपको निराश नहीं करेंगे। तभी तो कहा जाता है कि यहाँ के लोगों के अंदर मानवता कूट कूट कर भरी हुई है। तो दोस्तों, ये था ब्राजील। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।